हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7, जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या उसको हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। आज हम उसका लेक्चर 1 करेंगे और हम अपने आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो चलिए हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मींस एन एंटरप्राइज व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड वॉलंटरी बाय सम पीपल फॉर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको कुछ लोग मिलके स्थापित करते हैं, जिनका एक ही मोटिव होता है। इट इज द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। ये एक ऐसी वॉलंटरी से मतलब है जो खुद आके अपने आप को नॉमिनेट करते हैं। ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो साथ में मिलके क्या करते हैं, अपने मेंबर्स का वेलफेयर करते हैं, उनके सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं। वो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोलते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द स्मॉल सेविंग ऑफ डिफरेंट पीपल शुड बी कलेक्टेड थ्रू अ सोसाइटी टू रेज फंड्स एंड हेल्प द नीडी मेंबर्स थ्रू गिविंग देम लोन्स एंड अचीविंग द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज साइज ट्रेड बाय परचेजिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इनका होता है कि जो लोग अपने छोटी छोटी सेविंग्स को सेव करके रखते हैं, उनको इकट्ठा किया जाए और उनको वो पैसे दिए जाएं जिनको क्या है, उनकी जरूरत है, जिनको पैसे की जरूरत है, ताकि वो लोग जो जरूरतमंद लोग हैं वो उससे कुछ बेनिफिट उठा सकें और वो अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें। ये इनका मेन मोटिव होता है। The main objective of these firms is to serve its member rather than earning profit. इनका main motive जो होता है, अपनी society के लोगों की help करना, मदद करना, ना कि profit को earn करना। इसका एक common example आप देख सकते हो, आपने सुना होगा कि आपके area में भी लोग क्या करते हैं, society डालते हैं। उस सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ घरों के लोग मिलके क्या करते हैं, एक सोसाइटी डालते हैं, एक बंदे के पास अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं और अगर किसी को जरूरत होती है तो वो जो लीड मेंबर है वो क्या करता है, उनको लोन दे देता है जिसको जरूरत है, और उसके बिहाफ पे वो उनसे क्या करता है, इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता है। लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है। तो उनका मेन मोटिव होता है कि जो भी जरूरतमंद है, जिसको भी पैसे की जरूरत है, उसकी नीड वो पूरी कर सके जो कि दूसरे लोगों की सेविंग से इकट्ठा हुई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको रजिस्टर होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में, या फिर जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके अंडर। बंगाल, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र एंड चेन्नई हैव देयर ओन सोसाइटी एक्ट। ये कुछ स्टेट मेंशन है इंडिया की जिनके खुद के ही कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स हैं। Some of the examples, कुछ examples जो हैं, consumer cooperative, consumer cooperatives का काम क्या होता है, वो consumers को help करते हैं। Marketing cooperatives, वो ऐसे organization जो marketing में help करती है, या consumer को वो help करती है कि कौन से product की कितनी demand है, उसमें भी जो help करते हैं वो किसके अंडर आते हैं, हमारे marketing cooperatives। Next है credit cooperatives, ये वो organizations होती हैं जो छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को funds provide करते हैं, loans provide करते हैं। और farming societies से तो आप समझ गए होंगे कि वो society जो farmers के लिए create की गई है, उसको हम बोलते हैं farming society। I hope आपको cooperative society का meaning अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम उसकी definition पढ़ते हैं। तो चलिए पहली डेफिनेशन क्या कह रही है पढ़ते हैं। कोऑपरेशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन पर्संस वॉलंटरली एसोसिएट टुगेदर एज ह्यूमन बीइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स। कोऑपरेशन क्या है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सन क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स उसको टुगेदर वॉलेंटरीली उसको एसोसिएट करते हैं, खुद आके उसको क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक मोटिव क्या होता है कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अपनी सोसाइटी के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके। ये जो डेफिनेशन है वो दी है प्रोफेसर एच कलवर्ट ने। सेकेंड डेफिनेशन क्या कह रही है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस यूजुअली ऑफ लिमिटेड मींस हु हैव वॉलेंटरीली जॉइंड टुगेदर टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग इक्विटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड एक्सेप्टिंग अ फेयर शेयर रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ द अंडरटेकिंग। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। क्या कह रही है, ये कह रही है कि एक जो कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा पर्सन का ग्रुप है जिनके जो मीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना नंबर ऑफ पीपल होंगे कॉपरेटिव सोसाइटी में, उतना ही उनका क्या होगा,
उनके पास कैपिटल होगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, लोगों की सेविंग्स पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेस होता है, तो इसलिए इसके पास मींस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब लोगों के पास राइट टू वोट होता है कि अगर आपको कोई डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप उसके लिए वोटिंग कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो उसके लिए वोटिंग हो सकती है, नहीं है तो जैसे आपके वोटिंग की रेशियो होगी उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो सारे लोग हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं कैपिटल का, और उनको एक फेयर शेयर रिस्क जो होता है, रिस्क की अगर कोई अमाउंट है वो भी क्या करनी पड़ती है, बेयर करनी पड़ती है। ये जो डेफिनेशन थी वो थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। तो चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है करेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, वॉलेंट्री मेंबरशिप। द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि लोग खुद आके इसको नॉमिनेट करते हैं कि मैं इस सोसाइटी का पार्ट बनना चाहूंगा। अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर। एक पर्सन कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है और कभी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से एग्जिट ले सकता है। देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्शन फॉर हिम टू ज्वाइन और क्विट द सोसाइटी। उस मेंबर के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का दबाव नहीं होता या कोई भी कंपलसरी सिचुएशंस नहीं होती कि उसको इस कंडीशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है या ज्वाइन करना है। तो इसीलिए ये क्या है, एक वॉलेंट्री मेंबरशिप है, कोई भी आके सोसाइटी का पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट क्या है, लीगल स्टेटस। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। जो रजिस्ट्रेशन है इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत कंपलसरी है। दिस अकॉर्ड्स अ सेपरेट एंटिटी टू द सोसाइटी विच इज डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ इट्स मेंबर। ये इससे क्या होता है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अपने मेंबर से अलग इसकी एक आइडेंटिटी होती है, इसीलिए इसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। द सोसाइटी कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। जो सोसाइटी है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, किसी भी आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना में आ सकती है, कॉन्टैक्ट कर सकती है और अपने नेम के अंडर किसी प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, या अगर किसी ने पार्टनर ने उस पर धोखा किया है, उसको लगता है कि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर ने उसके साथ धोखा किया तो उस पर केस फाइल कर सकती है। वाइस वर्सा, अगर किसी पार्टनर को लगता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हमारे ऊपर कुछ इशू करा है, किसी कुछ मिसमैच करा है, तो क्या करते हैं वो जो सोसाइटी के मेंबर है वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे केस फाइल कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर। क्योंकि एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसकी खुद की एक एंटिटी है, इसीलिए वो ना ही तो किसी पार्टनर की एंट्री से अफेक्ट होती है ना ही किसी पार्टनर के एग्जिट से अफेक्ट होती है। थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या कह रही है, लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। जो लाइबिलिटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। जितना वो कैपिटल का शेयर लेके आएंगे उतने ही तक उनकी क्या होगी, लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। दिस डिफाइंस द मैक्सिमम रिस्क दैट द मेंबर कैन आस्क टू बियर। ये क्या करता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है उनके कैपिटल का, वही डिफाइन करता है कि वो कितना रिस्क बेयर करेंगे अगर इन फ्यूचर या इन केस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह का लॉस होता है तो। डी वाला पॉइंट क्या कह रहा है, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। इट गिव्स द वोट गिव्स द मेंबर अ चांस टू चूज द मेंबर्स हु विल कॉन्स्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी एंड दिस टेंड्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी अ डेमोक्रेटिक करेक्टर। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो डिसीजन होती है, पावर मेकिंग जो भी होती है वो एक इलेक्टेड मेंबर के अंडर होती है, जो कि क्या करते हैं, जो कौन सिलेक्ट करता है, बचे हुए मेंबर्स ही उनको सिलेक्ट करते हैं, और मेंबर्स के पास चॉइस होती है, वोट करने का अधिकार होता है कि उनको किसको चूज करना है कि वो सारे डिसीजन को ले सके। इससे क्या पता चलता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक डेमोक्रेटिक करेक्टरिस्टिक शो करती है। डेमोक्रेटिक मतलब जिसमें हमें वोट का अधिकार होता है। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आपने गांव वगैरह में देखा हो तो वहां पे क्या होती है, पंचायत होती है, उसमें क्या होता है, 5 लोग होते हैं जिनको बाकी के गांव मेंबर्स मिलके सिलेक्ट करते हैं कि इन केस उनके साथ कुछ भी किसी भी तरह के इशू होते हैं तो वो पांच जो लोग हैं वो जो भी डिसीजन लेंगे वो उनको मानना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग पावर किनके हाथ में होती है उस गांव की, उन 5 लोगों के हाथ में, सरपंच के हाथ में। तो ये था हमारा कंट्रोल करेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, सर्विस मोटिव। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पस लेज एम्फेसिस ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस क्या होता है कि वो दूसरों की मदद करे और वेलफेयर
को बढ़ावा दे। इफ द सरप्लस इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ऑपरेशन, अगर उसने कोई काम किया और उससे उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर एज डिवाइडेड इन द कन्फर्मेडली विद द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। तो वो जो हाई सरप्लस उनको अर्न हुआ है वो क्या करेंगे, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने मेंबर्स के बीच में, जो कि उनके बायलॉज ऑफ द सोसाइटी में मेंशन है, जो कि जब सोसाइटी क्रिएट हुई थी तो डिस्क्राइब किया गया था, उसमें जो भी मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग उनको वो प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या है, इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट। द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट अप्लाइज हेयर, कौन सा प्रिंसिपल कि एक पर्सन को एक वोट देने का अधिकार है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। एंड देयरफॉर एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज राइट टू कास्ट हिज और वोट, तो इसीलिए हर मेंबर सोसाइटी का, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, उसको राइट होता है कि वो अपने वोट को कास्ट कर सके, अपना वोट दे सके। लास्ट करेक्टरिस्टिक क्या कह रही है, गवर्नमेंट कंट्रोल, द सोसाइटीज आर वॉलेंट्री एसोसिएशन येट द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज इट्स कंट्रोल फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय चेकिंग देयर अकाउंट्स। हमने पढ़ा है कि ये जो सोसाइटी होती है ये लोग आपस में मिलके इसको क्रिएट करते हैं, लेकिन स्टिल इस केस में गवर्नमेंट का क्या होता है, कंट्रोल होता है, वो क्या करती है टाइम टू टाइम उनके अकाउंट्स को चेक करती है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स टू द रजिस्ट्रार। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको क्या करना होता है, अपनी सालाना रिपोर्ट, सालाना अकाउंट्स की रिपोर्ट किसको भेजनी होती है, रजिस्ट्रार को भेजनी होती है फॉर द ऑडिट पर्पस। तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अगर आपको इनमें किसी में भी कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले वीडियो में करेंगे फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।